जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 16, 17, 18, 19, 20 पर चर्चा करेंगे। एवं परवर्तितम चक्रम नानुवर्ताय तिह अगायुरि इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीविति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में प्रकृति के चक्र का अनुसरण नहीं करता, जो पापी और इंद्रिय सुखों में स्मरण या भोगने वाला होता है, वह व्यर्थ में जीता। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और धर्म के मार्ग को नहीं मानता और केवल इंद्रिय सुखों में लिप्त रहता है, वह न केवल पाप करता है बल्कि एक दुखी और व्यर्थ जीवन जीता है। अर्थात हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन जीना चाहिए। यस्तव आत्मा रतिरेव सयाद आत्मा तप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट सप्तस्य कार्य न विदते। जो व्यक्ति आत्म संतोषी है, जिसे स्वयं में आनंद मिलता है और जो स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर ही आनंद मिलता है और उस पर बाहरी चीज़ों का असर नहीं होता। इस श्लोक की सीख यह है कि जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह बाहरी नियमों और कर्तव्यों से परे हो जाता है। नैव तस्य कृतानार्थो न कृतेनो काश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थव्यापार आश्रय है। उसके लिए कुछ करने से कोई लाभ नहीं और न ही कुछ न करने से उसे कोई हानि है। उसके लिए सभी जीवों पर किसी भी प्रकार की निर्भरता नहीं होती। अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण संतोष की स्थिति में होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करने या न करने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति का जीवन बाहरी परिणामों और अन्य जीवों की अपेक्षाओं से परे होता है, अर्थात उसे किसी बाहरी चीज पर निर्भरता नहीं होती। तस्मात् आसक्ता सततम कार्यम कर्म समाचार आसक्तो हाय चरण कर्म पराप परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए हमेशा अपने कर्तव्यों को निष्ठ और समर्पण के साथ करें, लेकिन कर्मों के परिणाम की इच्छा के बिना। कर्मों के परिणाम की इच्छा के बगैर करने से व्यक्ति परम फल प्राप्त करता है। अर्थात हमें अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम से न जुड़े रहकर, अर्थात हमें अपने कर्तव्यों को निभाते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्तिता जनकदाया लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनक और अन्य ज्ञानी लोग कर्म के माध्यम से ही सिद्धि को प्राप्त हुए, तुम्हें भी सार्वजनिक भलाई के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यों को अपने स्वार्थ के बिना किया ही नहीं किया, बल्कि समाज की भलाई के लिए किया। हमें अपने कार्यों को अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और ब्रह्मांड की भलाई के लिए करना चाहिए। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।